हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपके लिए लाए हैं अपडेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में से। सई के कोर्ट में बयान से टूटा विराट का दिल, सत्या ने पलटा केस। मिसिंग है किसी के प्यार में आज का एपिसोड कोर्ट रूम से शुरू होता है, जिसमें सई और पुलकित पर आरोप लगाया जाता है। वकील का कहना है कि दोनों ने मिलकर पाकी का यूट्रस गलत तरीके से निकाला था। पाकी भी कोर्ट में कह रही है कि सई उनके पति की पहली पत्नी है, वह अपने जीवन में अपने परिवार को तोड़ने का इरादा रखता है। कोर्ट में पाकी और विराट अपनी बात रखें। इसके बाद सत्या हारवे केस का पाजा पलट देता है। सीरियल में इस वक्त सई के खिलाफ पाकी के केस की प्रोसीडिंग दिखाई जा रही है। पाकी और उसका वकील सई और पुलकित को मुजरिम साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी दौरान जज अपनी कई इनसिक्योरिटीज के बारे में बताती है। वह यह साबित करने की कोशिश करती है कि सई विराट के कारण से चौहान निवास में रह रही है, जबकि सई सबके सामने कहती है कि ना तो उसे विराट में पहले से कोई दिलचस्पी थी और ना ही आगे कभी होगी, बस सिर्फ अपने बेटे वीनू की वजह से चौहान निवास में रह रही है। यह सुनकर विराट का दिल टूट जाता है और काकू भी परेशान हो जाती है। पाकी सई को लगभग गलत साबित कर देती है, पर सत्या पाकी के मन की बात निकलवा कर केस का पासा पलट देता है। सई केस जीत जाएगी और विराट उसे बधाई देगा। इस एपिसोड में हर्षद अरोरा की काफ़ी जमकर तारीफ हो रही है। दर्शकों को सत्या का सीरियस और इंटेलिजेंट रूप बहुत ही अच्छा लगता है। वहीं सई का गुस्सा विराट और चौहान परिवार के लिए बढ़ती जा रही है। अब दर्शकों को लग रहा है कि सत्या और सई इस घटना के बाद करीब आ जाएंगे। वहीं कुछ यह भी चाहते हैं कि सत्या की जोड़ी पाकी के साथ बननी चाहिए थी और बच्चों के लिए सई विराट को एक साथ हो जाना चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं। और ऐसी और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।